रीवा शहर के करैया मंडी के खरीदी केंद्र में अव्यवस्थाओं को लेकर आज किसान आक्रोशित उठे और सड़क पर उतर आए। पहले तो किसानों ने मंडी के मुख्य द्वार को बंद कर दिया और ट्रैक्टर को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने समझाइश देते हुए किसानों को शांत कराया। इस पूरे मामले को लेकर किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे कृषि उपज मंडी के अंदर व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है। जहां किसानों का गल्ला रखा होना चाहिए, उस सेट के नीचे व्यापारी अपने गल्ला रख कर बैठे हुए हैं और उसको उठाव ना कर रहे हैं, जिसके चलते किसानों का गल्ला ट्रैक्टरों में लोड रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि आए दिन मौसम में हो रही बदलाव और हो रही बारिश के चलते उनका गल्ला भीग रहा है, जिसके चलते तौल के दौरान 2 किलो प्रति बोरी कम किया जाता है। किसानों ने कहा कि लगातार शिकायत और जानकारी देने के बावजूद भी यहां व्यवस्थाएं नहीं बनाई जा रही है और व्यापारियों को मंडी प्रबंधन द्वारा शरण दिया जा रहा है। इसके चलते पूरे कृषि उपज मंडी के अंदर व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है और हर शेड के नीचे अपना गल्ला रखा दिया है। अब हालात ये है कि व्यापारी अपने गल्ले का उठाव कर नहीं रहे और किसानों के पास गल्ला रखने की जगह नहीं है। जी यहाँ रख रखाव की समस्या है। यहाँ व्यापारियों ने किसानों के सीट में जहाँ होना चाहिए किसान का, ये अपनी बोरियां जमा कर रखी हैं, अतिक्रमण करके रखा हुआ है। अब किसान ट्रैक्टर में अपने वाहन में माल लादे खड़ा हुआ है, रोड तक पूरा जाम लगा के रखा था। अभी हमने सेक्रेटरी साहब से बात करी, वो आए स्थान बनवा रहे हैं। कलेक्टर मैडम से मैंने बात करी उनके कार्यालय में, उनने SDO साहब से हमारी बात करवाई, उनने सेक्रेटरी साहब को भेजा हुआ, उधर आए हैं और व्यवस्था में लगे हैं। हमने 100 डायल किया, थाने से भी ये व्यवस्था में आए हुए हैं कि भाई आप यहाँ किसान जाम क्यों लगाए हैं। जाम का मुख्य कारण ये है कि आप घुमा करके देखिए, जहाँ पर किसान का गल्ला होना चाहिए यहाँ महाजनों का गल्ला रखा हुआ है। हम लोग कहाँ जाएं, व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है। अब अगर हम लोग बाहर करते हैं गीला हो जाएगा, 2 किलो बट्टा काट रहे हैं, 1 किलो किसान नुकसान उठा रहा है। अभी किसानों का कुछ गल्ला बह गया था, किसानों का गल्ला इसी कारण से बह गया था, उनके पास जगह नहीं है। जगह है लेकिन महाजन अपना गल्ला हटाने को तैयार नहीं है। जहाँ पर किसानों का माल होना चाहिए यहाँ व्यापारियों ने कब्जा करके रखा हुआ है। अभी SDM साहब से बात हुई, सेक्रेटरी साहब आए, ये व्यवस्था इनको पहले बनाना था, लेकिन जब इतना सब होने के बाद भी अब ये प्रयास कर रहे हैं। ये जो यहाँ सेट देख रहे हैं ये पूरा खरीदी केंद्रों को दे दिया गया है। हम कहते हैं कि मंडी परिसर के अंदर किसकी अथॉरिटी से, वैसे तो यहाँ पर सिर्फ किसानों का माल उस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन ये इस वर्ष की बात नहीं है भाई साहब, ये प्रतिवर्ष ये समस्या यहाँ पर खड़ी होती है और दोनों सीजन की खरीदी जब होती है तो किसान इसी प्रकार से तबाह होता रहता है। खरीदी चल रही है कि नहीं चल रही है? खरीदी चल रही है, अभी बंद है ना, अभी तो आप देख रहे हैं जगह ना होने के कारण बंद है ये। जगह ना होने के कारण बंद। अब ये प्रशासन, ये उठान इसमें चिकट्टी साहब जाने और प्रशासन जाने, व्यापारी जाने, इनकी क्या साठ गांठ है आपस में, किया कि व्यापारियों ने इसको खरीद लिया है मंडी को। अब ये समस्या आप प्रशासन से बात करेंगे तो आप इसके इसमें 17 किलोमीटर दूर से किसान आए हैं जी, अगर व्यवस्था नहीं बनती तो क्या करेंगे? व्यवस्था नहीं बनेगी तो हम लोग तालाबंदी हड़ताल करेंगे। यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ से संबंधित यूनियन है गल्ला मंडी मजदूर संघ, हमारे मजदूर किसान के लिए हम लोग काम करते हैं। 2-3 दिन पहले अच्छी तेज बारिश हुई थी, तूफान आया था, उस दिन लगभग किसानों का 2-3 हजार क्विंटल के आसपास माल भीग गया था, जिसको व्यापारियों ने सहयोग किया और उस माल को तलवा लिया। अब वो पानी बह रहा था, लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, माल व्यापारियों को उठ नहीं पा रहा है। आज उनकी 8-10 गाड़ियां आई हैं, आज माल उठ रहा है, आज हमारे पास पर्याप्त जगह भी बन गई है और यहाँ तौलक लोग कुछ व्यापारियों से और कुछ है ये जो लेबर वर्ग है इनको इधर उधर भड़का करके और ये काम में अवरोध पैदा कर रहे हैं। कतार लगी है बकाया, आप देखिए मेरे पास ये भी सेट खाली है, इसके बगल में हमारा सेट खाली हो गया है, उसके इसके बगल में भी उस तरफ भी सेट खाली हो गया है। हमारे सेट खाली है, किसान लोग गाड़ी लगवाए और तो लोग अपना लेबर लगा करके माल उतरवाए। प्राइवेट लोगों का क्या है कि माल भीग गया था, बिल्कुल इतना तेज आंधी तूफान आया था कि सेट के अंदर का माल भी पूरी तरह से भीग गया था। अब वो व्यापारी आज अभी धूप के लिए उन्होंने कहा एक आध दिन धूप लग जाए तो उठा ले इसको। दो किलो तक की कटौती ली जा रही थी, किसी तरह की कोई कटौती नहीं ली जा रही आज तो। पहली बात तो ये कि अभी तो एक भी किसी सेड में कहीं भी किसी भी